तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाइना ख्वाब देखता है कि उसके पास सबसे बड़ी वायुसेना हो, सबसे बड़ी नौसेना हो और चाइना की ताकत अमेरिका की ताकत को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। ऐसे में हमने पहले भी बताया था कि चाइना की तरफ से ये अपडेट निकल कर आया था कि वो अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बड़ी संख्या में प्रोडक्शन करने वाला है। और ऐसे में चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो करीब 1000 फाइटर जेट्स यहां पर बनाएगा, यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर ही चाइना करीब 1000 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेटों को बनाकर तैयार कर लेगा। और सच मानिए कि ये काफी घातक होगा, क्योंकि चाइना अगर इतने ज्यादा फाइटर जेट बनाने में कैपेबल हो जाता है तो फिर यहाँ पर वायुसेना के मुकाबले में चाइना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका चाइना के इस मामले में चाइना से काफी आगे है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना यहाँ पर इस चीज को काउंटर करने के लिए अपने J20 एयरक्राफ्टों को लेकर एक मेगा प्लान बना रहा है। ऐसे में यहाँ पर J20 एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं या नहीं है, इसको लेकर कई तरीके के विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना के द्वारा बड़ी संख्या में इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, J20 एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना जो सपना देख रहा है, उस सपने को अब अमेरिका के द्वारा चूर चूर करने के लिए तैयारी कर ली गई है। हालांकि ऑलरेडी अमेरिका के पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट अब भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, और अमेरिका के F-35 फाइटर जेटों को प्रोडक्शन रेट को भी देखा जाए तो यहाँ पर चाइना के मुकाबले में उसका प्रोडक्शन रेट अभी भी ज्यादा है। तो कुछ रिपोर्टों के मुताबिक हर साल अमेरिका में 150 से भी ज्यादा F-35 फाइटर जेटों का निर्माण किया जाता है, और वहीं पर F-35 फाइटर जेटों के बाद में अब अमेरिका अपने बेड़े में आने वाले समय में 1000 से भी ज्यादा 6th जनरेशन के फाइटर जेट को ऐड करने वाला है। हाल ही में यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने मेगा प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है, और इस प्लान में अमेरिका अपने बेड़े में कम से कम 1000 नए 6th जनरेशन के फाइटर जेटों को शामिल करेगा, ताकि चाइना जिस तरीके से अपनी नेवी और एयर फोर्स की ताकत में बढ़ोतरी कर रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, उसे काउंटर किया जा सके। और दोस्तों, ये खबर असल में तब आई है जब हाल ही में US एयर फोर्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि उनके द्वारा जनरल एटॉमिक जैसी कंपनी को कोलैबोरेट करते हुए 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए फंडिंग किया जाएगा, ताकि इस प्रोग्राम के अंतर्गत डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को अंजाम दिया जा सके। और सच मानिए कि ये अमेरिकन एयर फोर्स की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा कदम है, जिससे कि अमेरिका के 6th जनरेशन के फाइटर जेट को की प्रोडक्ट्स यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेटों के प्रोजेक्ट में और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये CCA या फिर कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट असल में है क्या। बेसिकली दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये NGAD या फिर ऐसे कहें कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फैमिली का ही एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत US एयरक्राफ्ट के सुपीरियरिटी को बरकरार रखने के लिए क्रूड और अनक्रूड सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर ह्यूमन रिस्क को कम करते हुए लो कॉस्ट और इनक्रीज एफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। अब दोस्तों, ये जो CCA प्रोग्राम है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ये बेसिकली एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के साथ काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है, और खास करके 6th जनरेशन के फाइटर जेट और नॉर्थन गवर्नमेंट की तरफ से निर्माण किए जाने वाले B-21 राइडर जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्टों के साथ में। अब दोस्तों, यहाँ पर कंडीशनल अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल से अलग ये जो CCA प्रोजेक्ट है, ये बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही बनाया जा रहा है, और ऐसे में ऑटोनोमस पैकेज का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, ताकि बैटल फील्ड में इसके सर्वाइवेबिलिटी बढ़ सके और ये सिमिलर मैंड एयरक्राफ्टों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए और इसका जो कॉस्ट है वो कम होगा। और दोस्तों, ये जो CCA प्रोग्राम है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2023 में कर दिया गया है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस प्रोग्राम के ऊपर काफी बड़ा खर्चा करने वाला है, और 5 साल में लगभग साल 2028 के दरमियान CCA प्रोग्राम के ऊपर अमेरिकन सरकार की तरफ से करीब $6 बिलियन का खर्चा किया जाना है। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में एक कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। ऐसे में 15,000 का जो अप्रूवल भारत की तरफ से दिया गया है, ये केवल मात्र $1.8 बिलियन है, और इसके विपरीत अगर अमेरिका के इतने बड़े पैकेज को देखा जाए, जो कि $6.0 बिलियन का खर्चा किया जा रहा है,
रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो CCA प्रोग्राम है ये अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बेसिकली यहाँ पर CCA प्रोग्राम को अगर सिंपली जानना है तो ये असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो कॉस्ट रोबोटिक एयरक्राफ्ट होगा जो कि अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट के साथ में उड़ान भरेगा। और दोस्तों CCA प्रोग्राम के साथ ये भी घोषणा की गई है कि कम से कम आने वाले समय में 1000 6th जनरेशन के फाइटर जेटों को बनाकर तैयार किया जाएगा। और दोस्तों ये 1000 एयरक्राफ्टों के लिए काफी बड़े मात्रा में CCA प्रोग्राम के तहत अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को अमेरिका अपने बेड़े में शामिल करेगा। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका की एयरफोर्स की जो ताकत है वो कितना गुना बढ़ जाएगी। जबकि चाइना यहाँ पर जिस तरीके से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण कर रहा है और साथ ही अपनी वायुसेना के बेड़े को अमेरिका से भी ज्यादा बड़े बेड़े के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका के इस एक ही मूव से पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। हालांकि क्षमता के मामले में चाइना अमेरिका से कभी आगे नहीं जा सकता, लेकिन संख्या के मामले में चाइना लगातार आगे जाने का प्रयास कर रहा है और अभी भी वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चाइना J20 एयरक्राफ्टों को लेकर कई बार इस पर सवाल उठता है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का है या नहीं अभी तक किसी को नहीं पता है। और इसके बावजूद चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों के रूप में केवल यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर कंपैरिजन अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स के साथ किया जाता है। ऐसे में दोस्तों चाइना की J20 में कैनॉट के साथ एक 4th जनरेशन के इंजनों का उपयोग किया गया है जो कि इन एयरक्राफ्टों को प्रॉपर स्ट्रेंथ भी नहीं दे पा रहा। और 5th जनरेशन के फाइटर जेटों का जो सबसे खास बात है वो यहाँ पर 100% स्टेल्थी एयरक्राफ्ट होना चाहिए। और दुनिया में चाइना के पास J20 एयरक्राफ्टों के अलावा ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि कैनॉट का उपयोग करता हो। हालांकि कई सारे 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के मैनेवरेबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए कैनॉट का उपयोग किया जाता है, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेटों में कैनॉट का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा चाइना के J20 एयरक्राफ्टों के पास क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है और इसमें इंटरनल गन तक नहीं है जिसकी वजह से इन एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज में इस्तेमाल किया जा सके। और कभी इन एयरक्राफ्टों का सामना अगर डॉग फाइट में किसी 4th जनरेशन एयरक्राफ्टों के साथ भी हो जाता है तो मान के चलिए कि यहाँ पर चाइना का J20 एयरक्राफ्ट आसानी से हार जाएगा। ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता और चाइना को केवल अपने नंबर्स को दिखाने की जल्दबाजी रहती है। और इसी वजह से चाइना अपने नंबर्स को यहाँ पर दिखाने के लिए 1000 की संख्या में यहाँ पर J20 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन अब सच माने कि इस सपने को अमेरिका ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है और ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। हालांकि चाइना भी 6th जनरेशन फाइटर जेटों के डेवलपमेंट का दावा कर रहा है। अब चाइना के इस तरीके के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बनने के बाद ही दुनिया को पता चलेगा कि आखिरकार चाइना के इन 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के अंदर दम है या नहीं है। लेकिन अमेरिका के NG-8 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो यहाँ पर नो डाउट ये दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, बल्कि NG-80 कई देशों के 6th जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के क्षेत्र में एक अपना दबदबा भी बनाएगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।